Hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome back once again to the session of PIB 24/7. Main hu Manish Mishra and guys, in today's session we are going to discuss about National GIS enabled land bank system. We are going to discuss about the land bank system jo ki recently launched kiya gaya hai for the 6 states, and also we are going to discuss about the export preparedness index. Okay, export preparedness index jo ki launch kiya hai Niti Aayog ne. So do watch the complete session and spread the knowledge. तो चलिए start करते हैं with question number one. Minister of Commerce and Industry, who is Piyush Goyal. Piyush Goyal. Okay. So Minister of Commerce and Industry, he launched the National GIS enabled land bank system for 6 states. What does this system provide? So guys, basically जो land bank system होता है वो क्या होता है, इसके अंदर एक ऐसा bank है ये जो कि लैंड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. सो अगर ये लैंड बैंक सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो जितने भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होंगे, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज होंगे, इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी थ्रू दिस लैंड बैंक सिस्टम. और ये GIS एनेबल्ड होगा और ऑफकोर्स इट इज नेशनल लेवल. ओके, सो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ई लॉन्च द नेशनल GIS एनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम फॉर द 6 स्टेट्स, और बाकी जितने भी स्टेट्स और यूटीज हैं सभी में ये दिसंबर 2020 तक लॉन्च कर दिया जाएगा. तो इसको धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है. सबसे पहले लॉट में 6 स्टेट्स के अंदर इसको लॉन्च किया गया, बाकी धीरे धीरे तक दिसंबर तक सारे स्टेट्स में लॉन्च कर दिया जाएगा. दिस प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड डेटाबेस ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ऑल ओवर द इंडिया एंड इट विल सर्व एज वन स्टॉप सोल्यूशन टू फ्री एंड ईजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन. इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है, उनको ईजिली एक्सेस किया जा सकेगा. एंड जितने भी इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, उन सभी का डेटाबेस प्रोवाइड कराया जाएगा थ्रू दिस लैंड बैंक सिस्टम. दिस सिस्टम गाइस इज डेवलप्ड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम विद द स्टेट GIS सिस्टम. इससे पहले हमारे पास नेशनल लेवल पे क्या था, इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम था. उनको जितने भी स्टेट्स हैं उनके GIS सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके अभी एक नेशनल लेवल का GIS सिस्टम तैयार किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. एंड इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ड्रेनेज, रॉ मटेरियल, हीट मैप्स लाइक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मिनरल लेयर्स, मल्टीपल लेयर ऑफ कनेक्टिविटी. तो इन सभी से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सबके साथ प्रोवाइड कराई जाएंगी इन दिस GIS एनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम. एंड दिस इनिशिएटिव इज सपोर्टेड बाय इन्वेस्ट इंडिया, नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भास्करा इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स. ये सारे आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था. ओके, एंड इसके अंदर जो अप्रोच फॉलो की जाएगी गाइस, दैट विल बी टूवर्ड्स रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, इंडस्ट्रियल अपग्रेडेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. तो जब इस लैंड बैंक सिस्टम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा तो उसमें तीन चीजों का ध्यान रखा गया है, रिसोर्सेज को किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए, इंडस्ट्रियल अपग्रेडेशन किस तरीके से किया जाए और सस्टेनेबिलिटी पे कैसे ध्यान दिया जाए. ओके, एंड दिस IIS पोर्टल गाइस इज GIS एनेबल्ड डेटाबेस ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स एंड एरियाज अक्रॉस द स्टेट. इट विल प्रोवाइड लिंक्स टू स्टेट GIS पोर्टल एंड स्टेट लैंड बैंक्स. ओके, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन वॉज वॉट डज दिस सिस्टम प्रोवाइड. अब दिस क्वेश्चन गाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर फेज वन. ऑफकोर्स ये फेज टू में अगर पूछा भी गया तो ज्यादा से ज्यादा इसका जो एम है वो पूछ सकते हैं कि ये किस वजह से लॉन्च किया गया और कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया गया. ओके, सो आपको बस दो चीजें इसमें याद रखनी है, मिनिस्ट्री और इसका जो बेसिक एम है. सो गाइज, दिस सिस्टम प्रोवाइड्स डेटाबेस ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ऑल ओवर द इंडिया. ऑलराइट, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू. द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज अनाउंस्ड 7 न्यू सर्कल्स. नाउ राइट डाउन इन द कमेंट्स द नेम ऑफ मिनिस्टर ऑफ कल्चर. So this ministry has announced the 7 new circles of ASI to facilitate and strengthen the process of preservation and registration of archaeological monuments, along with new circles which are the mini circles selected for upgraded as the full-fledged circles. So guys, basically होता है क्या है कि जो archaeological survey of India होता है उसके circles होते हैं. अब ये circles का मतलब यहाँ पे है, इनके जो states में administrative office होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है स्टेट में, उसको बेसिकली सर्कल कहा जाता है. सो और उसके बाद होते हैं मिनी सर्कल, जो छोटे छोटे ऑफिस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर आते हैं. तो अब क्या किया गया कि 7 नए सर्कल्स बनाए गए हैं, यानी कि कुछ स्टेट्स के अंदर एक या एक से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस अब हो पाएंगे. ठीक है, क्योंकि कुछ स्टेट्स इसमें ऐसे जहां पे ऑलरेडी पहले भी कुछ सर्कल्स थे बट इसमें कुछ ऐड कर दिया गया है इन दीज न्यूली इंट्रोड्यूस 7 न्यू सर्कल्स. ओके, सो आई होप आपको सर्कल्स का मतलब क्लियर है.
So this Ministry of Culture has announced 7 new circles of ASI to facilitate and strengthen the process of preservation and registration of archaeological monuments. Because अगर एक स्टेट में अगर एक सर्कल होता है तो उस एक सर्कल ऑफिस को बहुत बड़ा एरिया कवर करना पड़ता है, तो इस चीज से बचने के लिए, इस चीज को थोड़ा सा मतलब जो वर्क है उसको डिवाइड करने के लिए दो या दो से ज्यादा सर्कल जो है वो बनाए जाएंगे इन फ्यूचर। एंड ये जो 7 नए सर्कल्स हैं ये कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश, त्रिची इन तमिलनाडु, झांसी एंड मेरठ, हम्पी, रायगंज एंड राजकोट। सो ये 7 नए सर्कल्स हैं जो कि रिसेंटली क्रिएट किए गए हैं, और अब कितने हो गए टोटल 36, इससे पहले कितने थे 29। और इसके अलावा 2 मिनी सर्कल्स ऐसे हैं जिनको अपग्रेड किया जाएगा, जो हम्पी मिनी सर्कल है उसको हम्पी सर्कल में अपग्रेड किया जाएगा, एंड इसके अलावा जो दिल्ली मिनी सर्कल है उसको दिल्ली सर्कल के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। ऑलराइट, सो और अगर हम ASI सर्कल्स की बात करें तो मैंने आपको बता दिया दैट दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ ASI इन अ स्टेट एंड अ सर्कल लुक्स आफ्टर मॉन्यूमेंट्स बियॉन्ड जस्ट द सिटी वेयर इट एग्जिस्ट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग मॉन्यूमेंट्स इन अ होल एरिया। अब 36 सर्कल हो चुके हैं, हर एक सर्कल, ईच सर्कल इज हेडेड बाय अ सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट एंड दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब सर्कल्स। और इसके अलावा 3 मिनी सर्कल्स भी हैं, कहाँ पे हैं, दिल्ली, लेह और हम्पी में। ये केवल 3 ही मिनी सर्कल्स हैं, तो इन तीनों मिनी सर्कल्स का आपको नाम याद रखना है, दिल्ली, लेह और हम्पी। और उसमें भी अब जो दिल्ली का मिनी सर्कल है उसको मर्ज कर दिया जाएगा इनटू द दिल्ली सर्कल। तो इसके बाद जो मिनी सर्कल बचेंगे वो केवल 2 बचेंगे। इनफैक्ट जो हम्पी का मिनी सर्कल है उसको भी हम्पी सर्कल बना दिया जाएगा। राइट, सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यू सर्कल। सो देयरफॉर गाइस द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, हम्पी मिनी सर्कल एंड दिल्ली सर्कल। सो ऑप्शन E1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। And now question number 3 is about the basic facts of ASI. So with respect to ASI, we have to tell the incorrect statement. हमें incorrect statement बताना है with respect to the Archaeological Survey of India. So guys, it is a government agency under the Ministry of Culture. Basically, it is an attached office under this ministry. It was founded in the year 1861 by Alexander Cunningham, who is also known as the father of इंडियन आर्कियोलॉजी, और यही पहले डायरेक्टर जनरल भी थे ASI के। ओके, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल मॉन्यूमेंट्स इन द कंट्री। और अंडर द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस एक्ट द ASI एडमिनिस्टर्स मोर देन 3650 एशियन मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सो दिस इज सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। सो इट इज एन इंडियन एजेंसी अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यस। Founded in 1861, yes. James Burgess is known as the father of Indian archaeology, no guys. Alexander Cunningham is known as the father of Indian archaeology. So, our statement 3 hai, that is incorrect. So, therefore, option C will be the correct answer. And now, let's move on to question number 4. So, guys, question number 4 to 6 are based on the Export Preparedness Index. Guys, I'm sorry for this. So, Export Preparedness Index ke upar question number 4 se 6 hai. So, let us first discuss this report. So this index has been launched by Niti Aayog in partnership with the Institute of Competitiveness, and this is the first report to examine export preparedness and performance of the Indian state. And this index is based on the 4 parameters. Number 1 is the policy making, business ecosystem, export ecosystem and export performance. So ye 4 parameters ke upar base hai ki jo har states hai unki export ki policy kitni achhi hai, unka business ecosystem kaisa hai, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है और उनकी एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस क्या है। तो इन सभी 4 इंडिकेटर्स पे ये इंडेक्स बनाया गया है बाय द नीति आयोग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। और इसके अंदर कुछ 11 सब पिलर्स भी हैं, एंड यू शुड नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल द 11 सब पिलर्स। बस आपको एक इतना पता होना चाहिए दैट देर आर 11 सब पिलर्स। ओके, एंड ये कुछ 11 सब पिलर्स हैं लाइक एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, बिजनेस एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एटसेट्रा। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट की, सो नंबर 1 इट वॉज गुजरात एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस में, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 तमिलनाडु, नंबर 4 राजस्थान है, नंबर 5 पे कौन है, उड़ीसा। और इसमें से गाइज अगर आप देखो तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 कैसे हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं। सो कोस्टल स्टेट्स जो है वहां से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा अमाउंट में होता है। ओके, एंड अगर हम रैंकिंग की बात करें तो ओवरऑल में नंबर 1 इज गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 तमिलनाडु, नंबर 4 पे अभी हमने देखा था राजस्थान था, एंड नंबर 5 पे इज उड़ीसा। ओके, एंड इसके अलावा लैंड लॉक स्टेट में नंबर 1 पे इट्स राजस्थान, नंबर 2 तेलंगाना, नंबर 3 हरियाणा, हिमालयन स्टेट्स में नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 त्रिपुरा एंड नंबर 3 हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज में ऑफ कोर्स नंबर 1 शुड बी दिल्ली, नंबर 2 पे गोवा एंड नंबर 3 पे चंडीगढ़। तो ये सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यू शुड रिमेंबर जस्ट द ओवरऑल रैंकिंग। ऑलराइट,
एंड ये पैरामीटर बेस्ड रैंकिंग है। सो इन पॉलिसी नंबर वन महाराष्ट्र, बिजनेस इकोसिस्टम में गुजरात नंबर वन पे है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम में इट इज अगेन महाराष्ट्र एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में इट इज मिजोरम। राइट, और इसमें भी आपको सेकंड और थर्ड रैंकर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द पैरामीटर्स एंड द फर्स्ट रैंक होल्डर। ओके, एंड दीज आर सम अदर की फाइंडिंग्स। सो गाइस, एज पर दिस रिपोर्ट 70% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इज डोमिनेटेड बाय 5 स्टेट्स, जो कि कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। और ये सारे के सारे ज्यादातर कैसे हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं। सो ओवरऑल जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं वो हमारे बेस्ट परफॉर्मेंस है। 6 ऑफ द 8 कोस्टल स्टेट फीचर इन द टॉप 10 रैंकिंग्स ऑफ दिस इंडेक्स। ओके, एंड गाइस, व्हाट विल दिस इंडेक्स प्रोवाइड अस? सो दिस इंडेक्स वुड बी अ हेल्पफुल गाइड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स टू बेंचमार्क रीजनल परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो पुअर परफॉर्मिंग स्टेट्स है वो उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि अपने स्टेट में वो एक्सपोर्ट को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से ये जो इंडेक्स है काफी मदद करेगा दूसरे स्टेट्स को जो कि अभी एक्सपोर्ट्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। एंड चैलेंजेस क्या क्या है? तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे देश में गाइज एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है, क्योंकि हमारे देश में एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है। लाइक अगर हम बात करते हैं बिहार की या उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पुअर है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम गुजरात की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, सो देर इज अ वेरी वेल डेवलप्ड एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जब तक ये डिस्पैरिटीज खत्म नहीं होंगी तब तक जो हमारा एक्सपोर्ट है वो पूरे इंडिया के लेवल पे, पूरे नेशनल लेवल पे हर स्टेट में इंक्रीज नहीं हो पाएगा। ओके, इसके अलावा देर इज वेरी पुअर ट्रेड सपोर्ट एंड ग्रोथ ओरिएंटेशन अमंग स्टेट्स। एंड another very important reason, another very important challenge in front of this export promotion is the poor research and development infrastructure to promote complex and unique exports. अब क्या है, हमें ऐसे products बनाने पड़ेंगे, हमें research and development करके ऐसे products बनाने पड़ेंगे जो कि unique हो, जो कि complex हो, जिनकी market में international market में काफ़ी demand हो। right? So ये जो हमारे पास research and development का infrastructure है ये भी काफ़ी ज़्यादा poor है। So these are some challenges फॉर दी एक्सपोर्ट प्रमोशन। एंड फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहले तो हमें जॉइंट डेवलपमेंट चाहिए ऑफ द एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा वी हैव टू स्ट्रेंथन द इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेजेस ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके इन द एक्सपोर्ट प्रमोशन। क्रिएटिंग स्टेट लेवल एंगेजमेंट्स फॉर द इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड रिवैम्प्ड डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द लोकल प्रोडक्ट्स ताकि उनकी डिमांड्स को इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ाया जा सके। उनकी यूनिकनेस अगर जब तक प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं आएगी तब तक उसकी जो डिमांड्स है उसको मार्केट में हम इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। ओके, सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द इंडेक्स। एंड रिमेंबर, ये इंडेक्स जो है फेज वन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ईएसआई में भी पूछा जा सकता है, बिकॉज ईएसआई में इंडेक्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 गाइस इज द इंडेक्स रैंक स्टेट्स ऑन 4 पैरामीटर्स एक्सेप्ट। सो इट रैंक्स ऑन पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, नॉट ऑन द एक्सपोर्ट प्रायोरिटीज। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। And question number 5 is, which is correct sequence of the states ranked from top to bottom in the Export Preparedness Index Report 2020? So number 1 it was Gujarat, number 2 Maharashtra, number 3 Tamil Nadu, 4 Rajasthan, 5th Odisha. So option A will be the correct answer. And question number 6, which is the last question for today, which of the following is incorrect about the key findings of the report? So option A is, 70% of India's export has been dominated by Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu and Telangana. Yes, this is absolutely correct. Overall, coastal states are the best performers. 6 of 8 coastal states feature in the top 10 rankings. Yes, with focused development, emerging states can also grow their exports. So, all of these are absolutely correct. Aur hame incorrect statement find karni thi. So, therefore, the correct answer will be what? None is incorrect. Okay. ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हैं। एंड फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।